अगर आपके भी हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, बहुत देर तक बैठे रहने पे हाथ पैर सो जाते हैं, झंझनाहट होने लगती है, काम करते करते हाथ सुन्न हो जाता है, या कई बार फोन चलाते चलाते हाथ सुन्न हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, या फिर आपके हाथ पैरों में सूजन आने लगी है, तो ये सारी समस्याएं बंद नसों की होती है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी बंद नसें क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, और इसका उपाय आप घर पे कैसे कर सकते हैं, कैसे घरेलू नुस्खों से आप अपनी बंद नसों को या कमजोर नसों को, दबी हुई नसों को ठीक कर सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारी नसें नीली पड़ने लगती हैं, या फिर मोटी मोटी अलग से नजर आने लगती हैं, जिसे वैरिकोस वेन्स की समस्या भी बोला। ये सभी लक्षण हैं कमजोर और बंद नसों के। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथ ही ये भी लिख के बताइएगा ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये समस्याएं होती क्यों हैं। आज का जो लाइफस्टाइल है लोगों का, वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। जिसको देखो, बाहर का खाना खाता है, घर में भी खा रहे हैं तो तला हुआ ज्यादा खाना पसंद करते हैं, और ज्यादातर जितनी भी चीजें हम खाते हैं सब मिलावटी हैं। तेल घी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, रिफाइंड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये जो तेल है, घी है, ये जाके हमारी नसों में जमा होने लगता है, इसकी एक लेयर बन जाती है, जो कि हमारे ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत देता है। तो अगर ब्लड फ्लो ही नहीं होगा तो आपको ये सारी परेशानियां बिल्कुल होने वाली हैं। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो आप इन घरेलू उपायों का इस्तेमाल करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लेना है दालचीनी। अब जो दालचीनी होता है, इसे ज्यादातर हम सब्जी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं सब्जी का टेस्ट बनाने के लिए, पर इनके बहुत सारे गुण हैं जिससे इन्हें दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, आयुर्वेदिक नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, जब हम इसको खाते हैं तो ये क्या करता है कि हमारी जो जमा चर्बी है, जमा जो तेल घी जमा हो गया नसों में जाके, उसे पिघलाकर ये बाहर निकालने में मदद करता है, और जिससे आपका ब्लड फ्लो ठीक होता है और इससे आपकी नसों की समस्या ठीक होती है। इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं तीन तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसे इस्तेमाल करने के। तो आइए देख लेते हैं पहला तरीका। तो पहले तरीके के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है दालचीनी। यहाँ पे मैंने थोड़ी ज्यादा ही दालचीनी ली है क्योंकि इसका हमें पाउडर तैयार करना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे चलो भाई मार्केट वाला यूज कर लेते हैं, पर जो मार्केट वाला होता है उसमें बहुत सारी मिलावट होती है, तो इसलिए मैं घर पे ही इसे पीसना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घर पे जो मिलेगा वो प्योर मिलेगा, बाहर से ला रहे हैं तो उसमें मिलावट भी हो सकती है और उसका रिजल्ट आपको इतना बढ़िया नहीं मिलेगा। तो इस तरह से दालचीनी को घर में ही पाउडर बना के रख लीजिए। अब पहला जो तरीका इसे इस्तेमाल करने का वो देख लीजिए, क्योंकि जो दालचीनी होती है गर्म तासीर की होती है, तो ये आपको गर्मी में दिक्कत भी दे सकती है। तो आपको इसे कैसे लेना है, सिर्फ दो चुटकी मैंने यहाँ पे दालचीनी का पाउडर लिया है। अब इसके अंदर आधा चम्मच आपको प्योर शहद मिलाना है, जिसे ऑर्गेनिक शहद भी बोला जाता है। जो नॉर्मल शहद हम लोग यूज करते हैं चीनी वाला, वो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। अगर आपके पास प्योर है, घर के आपके सामने निकला हुआ है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने खरीदा है, ये प्योर हनी है, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो चुटकी दालचीनी का पाउडर लिया, साथ ही आधा चम्मच प्योर हनी मिलाया, और ये मिक्सचर तैयार। इसे आपको लेना कैसे, सुबह सुबह खाली पेट इसे लेना है, इसे चाट लेना है, और इसको लेने के बाद आधा घंटा कुछ नहीं लेना है, डेली आपको ऐसा करना है। अब दूसरी रेमेडी देख लेते हैं, जिन लोगों को शुगर है और ये रेमेडी वो नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर हनी का इस्तेमाल किया है, तो हमें क्या करना है, एक गिलास पानी गर्म करना है, उसके अंदर दो चुटकी हमें यहाँ पे
दालचीनी पाउडर का इस्तेमाल करना है। दालचीनी पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है। मैंने जैसे बताया कि दालचीनी की तासीर गर्म होती है, तो आपको गर्मी भी कर सकती है, तो इसलिए बहुत कम दालचीनी का इस्तेमाल करना है। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे जब तक कि पानी का कलर ना चेंज हो जाए। गैस बंद करेंगे और चाहे तो इसे आप छान सकते हैं, क्योंकि हल्के हल्के से इसमें मोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, और आप चाहे तो बिना छाने भी इसे पी सकते हैं। तो इस तरह से इसे छान लीजिए और इसे ठंडा करके आपको पीना है, गरम गरम नहीं पीना है। इसे भी सुबह आपको खाली पेट पीना है। अब बहुत सारे लोगों को इसका टेस्ट हो सकता है ना पसंद आए, वो चुटकी भर इसमें सेंधा नमक मिला सकते हैं। बहुत ज्यादा नमक आपको नहीं मिलाना है, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। और इसे आप सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए, और इसके पीने के बाद आपको 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद ही आपको नाश्ता करना है, तुरंत से नहीं करना है। और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आप इसे कम से कम 15 दिन जरूर ट्राई करें, आपको फर्क महसूस होगा। तो ये थी हमारी दूसरी रेमेडी। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है तो वो ये रेमेडी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें नमक डाला है। अगर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो बिना नमक के इसे इस्तेमाल करना है। तीसरी रेमेडी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लो फैट मिल्क लिया है, जिसमें बहुत कम मलाई होती है, ज्यादा घी नहीं होता है, ज्यादा मलाई नहीं होती है। ऐसा दूध आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो नसें हैं उसमें फैट जमा हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसा दूध इस्तेमाल ना करें जिसमें मलाई हो। अब इसके अंदर चुटकी भर मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। अगर आपके पास कच्ची वाली जो हल्दी आती है, जो अदरक जैसी दिखती है, आप चाहे तो वो भी छोटा सा टुकड़ा कुचल के इसमें डाल सकते हैं। नहीं है तो ये वाली हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे वो वाली करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से इस दूध को उबालना है। अब दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया दालचीनी के बहुत सारे फायदे होते हैं बंद नसों को खोलने में, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इस दूध को धीमी धीमी आंच पे उबलने देना है, ताकि जितना भी दालचीनी का फ्लेवर है वो दूध में आ जाए। मीठे के लिए यहाँ पे आपको धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है, और इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देना है जब तक कि मिश्री जो है वो अच्छे से घुल ना जाए। आप अगर बिना मीठे के पीना चाहते हैं तो आप इसे बिना मीठे के भी पी सकते हैं, या फिर धागे वाली मिश्री नहीं है तो इस दूध को थोड़ा सा ठंडा करके आप प्योर वाला हनी इसमें मिला सकते हैं, पर आपको चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती है। तो यहाँ पे दूध अच्छे से पक गया है, इसे मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है, और अब मैं इसे छान लेती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया दूध तैयार हो गया है। बंद नसों के लिए या फिर आपकी कमजोर नसें हैं, इन सभी के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। अब इसे आपको लेना कैसे है वो समझ लीजिए। तो इसे आपको रात को सोने से पहले लेना है, ताकि पूरी रात ये अपना असर दिखाए और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब इसको टाइम मिलेगा अपना काम करने का पूरी रात, तो ये अपने जो आपकी बंद नसें हैं उनमें जो चर्बी जमा हो गई है, उनमें जो फैट जमा हो गया, उसे निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। साथ ही बहुत ज्यादा हेल्दी दूध है, बहुत सारी बीमारियों से, जोड़ों के दर्द वगैरह से भी बचाता है।